बहजोई थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर शरीफ नगर में 17 तारीख को मकान देखने आए गांव के व्यक्ति से मामूली कहासुनी होने पर निर्माणधीन मकान स्वामी राजेंद्र द्वारा बीच बचाव करते समय आरोपी के परिजनों ने मार पीट कर स्वामी और उसकी पत्नी को घायल कर दिया। घायल राजेंद्र पड़ा पड़ा गांव में इलाज का इंतजार करता रहा। काफी देर बाद एम्बुलेंस उसे थाने ले गई और आरोपी पक्ष भी थाने पहुँच गया। पुलिस ने घायल का इलाज ना करते हुए उल्टा मृतक के पुत्र को थाने में बैठा लिया। काफी मान मनोबल की गई तब पुत्र को छोड़ा गया। परिजनों का आरोप है कि इलाज में काफी देर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल राजेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर दोनों ओर से मामूली रिपोर्ट दर्ज की। परिजनों का आरोप है कि थाने में उनकी नहीं सुनी गई और आरोपियों की ज्यादा सुनी गई, इसलिए उनके पुत्र को थाने में बिठाया गया और आरोपी तुरंत वापस चला गया। घटनास्थल का मुआयना करने गए पुलिस क्षेत्राधिकारी सुरेश बाबू यादव से उपरोक्त आरोप मृतक की पत्नी ने रोते हुए लगाया। जब इस बारे में सीओ से बात की गई तो थाने के संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। आरोपी घर से फरार बताया जा रहा है। सीओ ने जांच कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। जो घटना हुई थी किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? ये लड़ाई इस मकान के ऊपर थी भाई। अच्छा, फिर क्या हुआ? मकान के ऊपर भाई मेरे घर वाला बुला रहे बजरफोर्ड। मैं अपने घर पर थी, इसने तो मेरे घर वाले को गाड़ी बकी। मेरे घर वाला किसी मोहल्ले वाले से कह रहे साहब इनको छुपा दो, मैं अपना जीना चढ़ा लूंगा तो मेरे पे चढ़ जाए ये। तो ये बोला नहीं तेरी लड़की चोद दूंगा, मेरे जीने पर चढ़ा क्या सर आया किसी को। फिर क्या हुआ? कही भाई गाड़ी मंद है। तो मेरा बंदा आ गया परात लेकर, इसके लौंडे ने मेरे सामने ईंट मार दी मेरे। अच्छा। एकदम जा परे। फिर इसके लौंडे ने ना ईंटें बरसा दी, दूसरे लौंडे ने चक्कू मार लोग थे मरने वाले? छह जने, छह तीन को तू भी दिया अपनी दरखास्त। तो किसी ने वहाँ पे किसी ने बैठा लिया मेरे बेटे को थाने। आपके लड़के को बैठा लिया? मेरे लड़के को, ये तो अपने गांव का आ गया। मैंने भैया जी से बोली, भैया जी मेरे बेटे की छुट्टी करा दो, मेरे सर की बहुत तबीयत खराब। आपके लड़के को कितनी देर बैठा हो गया जब छोड़ा? मेरे बेटे को 2 बजे छोड़ा। 2 बजे लिखिया ये सबसे पहला पहुंच गया हमारा बंदा, हमारा परा तो हमारा कोई लेके ही नहीं गया। स्कूटर से चले गए। जब एम्बुलेंस गाड़ी को हमको मोहल्ले वालों ने फोन किया है, एम्बुलेंस आई है जब मेरे बंदे को लेके गई है। तो फिर क्या हुआ थाने में? थाने में गए तो इसकी पूछताछ हो रही, मेरे बंदे की कोई पूछताछ नहीं हो रही। तुम्हारी नहीं पूछताछ की गई थी? नहीं, कोई नहीं, इसकी पूछताछ हो गई है। किसी चौकीदार को पैसे भरे आया, वहाँ का है चौकीदार भोजपुर का ठाकुर, उसने इसकी सिफारिश सारी सारी की। थाने में तुम्हारी नहीं सुनी गई, पहले इसकी सुनी गई? पहले इसकी सुनी गई नहीं, मेरा बंदा मरता नहीं। अच्छा, थाने में कितनी देर रहे तुम अपने थाने बंदे में? तो हम इतने खंसे और एक बजे तक अस्पताल में भर्ती रहा। अच्छा, थाने का जो फतेहपुर शरीफ नगर गाँव है, ये जो घटना हुई क्या मामला पूरा? इसमें ऐसा है, राजेंद्र सिंह जो मृतक है उसका मकान बन रहा था, 17 तारीख की घटना है और ये लगभग 8:30 बजे की। ये बबलू गांव का आदमी जो जिसकी उम्र 40 वर्ष है वो देखने आया था, वो शिवराज के जीने से ऊपर चढ़ा, देखने के लिए जीने चढ़ा। इसमें शिवराज सिंह भड़क गए कि मेरे जीने से क्यों देखने गया, तो राजेंद्र सिंह को गाली वाली देने लगे। शिवराज जिसमें झगड़ा हो गया और ईंट पत्थर से राजेंद्र सिंह को शिवराज आत ने 3 लोगों ने मारा, जिनके नाम FIR दर्ज है। वो मृतक के इलाज के दौरान मृत हो गई मुरादाबाद में, जो राजेंद्र सिंह है इनकी मृत हो चुकी है। अच्छा। और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, पंजीकृत किया है, शीघ्र गिरफ्तारी कराई जाएगी। अच्छा सर, जैसे महिलाओं का आरोप है कि हम जब रिपोर्ट लिखाने गए तो हमारे ही व्यक्ति को बैठा लिया गया थाने में, ऐसा क्यों? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा होगा तो जिन्होंने बैठा होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।